नमस्कार आदाब, मैं हूं फरहान और SPN9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम लगातार अपने कार्यक्रमों में कह रहे हैं कि शायद या फिर कहीं ना कहीं या फिर बिल्कुल स्पष्ट हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कदम घटता जा रहा है। उनका जो वर्चस्व था, उनकी जो फेस वैल्यू थी, वह अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। हम यह क्यों कह रहे हैं, आइए हम थोड़ा सा पुरानी बात का जिक्र कर लेते हैं आपसे। अमित शाह ने NRC के बारे में कुछ और कहा, रामनाथ कोविंद कुछ और कहते नजर आ रहे हैं, और दिल्ली की रामलीला में रैली की जनसभा करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ और ही शब्द रहते हैं। अब वह ट्यूनिंग नहीं दिख रही है, वह समानता नहीं दिख रही है इनके शब्दों में। जिस तरह से पहले एक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी कहते थे, लगातार सारे नेता उसी बात को दोहराते थे, पुनरावृत्ति करते थे, लेकिन अब वह बात नहीं दिखाई दे रही है। जिस नेता के जो भी मन में आ रहा है वह अपने बयान दे रहा है। धार्मिक प्रताड़ना की बात कही जा रही थी NRC और CAA को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे थे, अमित शाह ने तो लगातार इसका डंका बजाया है कि कैसे इन तीन देशों में धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है अल्पसंख्यक समुदाय को, यह बातें सामने आ रही थी। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह भी कह रहे थे, और चाहे वह अमित शाह हो, बार बार इस बात का विश्वास दिला रहे थे, किसी भारतीय की भारतीयता नहीं जाने वाली है, मुस्लिम समुदाय बिल्कुल भी ना डरे इस बात से। इसी संबंध में डोर टू डोर कैंपेन चलाया गया, पर्चे छापे गए, पर्चे बांटे गए, लोगों से मुलाकात की कार्यकर्ताओं ने, लेकिन कितने लोगों से मुलाकात की अब तक यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह बात सामने आ रही है कि मुलाकात की गई है। योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में मुस्लिम परिवार से ही समझाना शुरू किया था, लेकिन उस मुस्लिम परिवार ने क्या सवाल पूछे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या जवाब दिए, इस तरह के वीडियो भी सामने नहीं आए, लेकिन वह समझाने निकले थे। लेकिन इस दौरान केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद भी हैं, प्रताप सारंगी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि इस एक्ट का जो लोग विरोध कर रहे हैं देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, वही सारी पुरानी बातें। लेकिन एक पुरानी बात फिर सामने ले आया है, जहां बिल्कुल लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बयान इस वक्त आ रहे हैं उसको तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं ये बयान प्रताप सारंगी के। उन्होंने NRC CAA के संबंध में आप बोल सकते हैं, आपका लागू किया हुआ कानून है, आपने इसकी स्थापना की है, इस दौरान जिस तरह उसमें बिंदु रखे गए हैं तो बिल्कुल भी तुलना ना करें मनमोहन सिंह से या पुराने टाइम पर NRC या फिर ये नागरिकता संशोधन कानून को लेकर। आप जो अब बयान दे रहे हैं मौजूदा समय में, कहा जा रहा है प्रताप सारंगी द्वारा कि जिन्हें भारत माता की जय बोलने में एतराज है, वंदे मातरम में एतराज है, वही पुरानी बातें जिसकी राजनीति चल रही थी, की जा रही थी, फिर वही बातें सामने आती हैं, जहां से बिल्कुल स्पष्ट होता है, जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम भावना को सोच रहे हैं एक किया जाए, किस लिए, कि बस ये कानून लागू हो जाए कैसे भी, लेकिन इस कानून के जो बिंदु हैं वह बिल्कुल एक समुदाय को, अल्पसंख्यक समुदाय को पृथक करते हुए नजर आ रहे हैं, दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रताप सारंगी ने जो ये बयान दिया है उससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वह स्थिति नहीं रह गई है अब भारतीय जनता पार्टी में। जिस तरह लगातार 5 राज्यों में चुनाव हारे हैं और झारखंड में भी, महाराष्ट्र में भी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभाएं की हैं, झारखंड में तो 18-20 जनसभाएं हो गई हैं, 13 जनसभाएं तो मैंने ही देखी हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो यहाँ अमित शाह पर भी उंगली उठाई जा रही है, क्या चाणक्य का जादू अब फ्लॉप हो चुका है, चाणक्य का जलवा अब नहीं चल पा रहा है। वहीं नरेंद्र मोदी की भी फेस वैल्यू शायद खत्म होती हुई नजर आ रही है, खुद जनसभाएं करने के बाद उन्हें झारखंड में जीत प्राप्त नहीं हुई। यह सिलसिला आरंभ हो गया था पाटीदार आंदोलन जब चल रहा था हार्दिक पटेल का, गुजरात में भले ही जीत दर्ज की थी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन विपक्ष भी कमजोर नहीं रहा था, बराबर टक्कर दी थी भारतीय जनता पार्टी को, तो वहां से यह सिलसिला आरंभ हुआ था। और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी की मार ने जिस तरह से जनता को घेर रखा है, वहां बिल्कुल लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो फेस वैल्यू अब खत्म हो चुकी है। 2014 से 2019 तक थी, इस एक साल में वह सब कुछ गवा बैठे हैं। क्या उनकी फेस वैल्यू खत्म होने का कारण इन 5 राज्यों में चुनाव हार जाना है? इस संबंध में आप बिल्कुल राय दें, क्या 5 राज्यों में चुनाव हारने के कारण ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेस वैल्यू खत्म हो गई है, या उनकी नीतियों के कारण ऐसी फेस वैल्यू बन गई कि 5 राज्यों में चुनाव अपने चेहरे के कारण हार गए, अपने राज्य और अपनी नीतियों के कारण हार गए?
इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार।